एक्सक्यूज मी मैडम। हाय मैडम, हमारा नाम है सुरेश संदेशिया, मतलब जैसा नाम वैसा काम। ओके। हम लोगों को संदेश पहुंचाते हैं, मतलब हम एक कुरियर कंपनी में काम करते हैं स्कूटर चला के। अच्छा, तो तुमने कुरियर कंपनी वाले के खिलाफ FIR लिखवानी है? अरे नहीं, स्कूटर चला के नहीं। जरूर इसने नहीं कही होगी टाइम पे कुरियर की पहुंचाई, इसलिए किसी कस्टमर ने कर दी होगी इसकी सुताई। ओके बाय। अरे किसी कस्टमर की नहीं, बल्कि एक डॉक्टर की FIR लिखवानी है स्कूटर चला के। कंफ्यूजन। डॉक्टर ने क्या कर दिया भाई? अरे सब डॉक्टर ने ही किया है। हम डॉक्टर के रूप सुधारो नर्सिंग होम में पहुंचे, एक एसी वार्ड में, जहां एक पेशेंट था उसके लिए थके हारे धूप में कुरियर देने। जब वार्ड में घुसे तो वो वार्ड में पेशेंट नहीं था, टॉयलेट करने गया था। हमने उसका खाली बेड देखा, हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर हम यहाँ आराम कर लें। उसके थोड़ी ही देर के बाद एक डॉक्टर कमरे में आया, उसने हमें जबरदस्ती एक गोली खिलाई और हमारे कूल्हे पर एक इंजेक्शन ठोक दिया। आए, 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 आए। हम बेहोश हो गए। जब होश आया तो हमारे होश उड़ गए स्कूटर चला के। भाई ऐसा क्या जुल्म ढा दिया उस डॉक्टर ने तेरे पे? अभी हम आपको दिखाते हैं स्कूटर चला के। ये लीजिए। यो कौन से बदसूरत आदमी? अरे ये हमारे बीवी के पति, हमारे बच्चों के पिता, यानी कि हम हैं। ओह बॉस, ये चौकी है, कोई टिटपुल या नाट्यगृह नहीं है जहाँ पर तुम अपना ड्रामा कर रहे हो। अरे यही तो सब झेल के आ रहा हूँ। What? मैं अपने बीवी और अपने बच्चों से पिट के आ रहा हूँ। मैं चीख चीख के कहता रहा कि मैं तुम्हारा पति, तुम्हारा बाप, यानी कि सुरेश संदेशिया हूँ, लेकिन किसी ने नहीं माना। आपको पता है कि उस डॉक्टर ने मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दी, यानी कि मेरा फेस बदल दिया है स्कूटर चला के। तू सत्य बोल रहा है? अरे आप मेरी हेल्प कीजिए प्लीज स्कूटर चला के। भाई बालको। हाँ जी जी। कौन हो रहा है वो डॉक्टर जो लोगों के फेस चेंज करके ना उनकी लाइफ के केस बिगाड़ रहा है? डर के लास्ट साले ने हम भी तो देखे उसका फेस। थैंक यू। अरे बोला ना मुझे नहीं खाना यार, मेरा भूख। डॉक्टर ये मुंह खोलिए। मैं पेशेंट नहीं हूँ। कोई बात नहीं, पेट साफ हो जाएगा। मुंह खोलो। गला साफ हो जाएगा। ये अल्लाह मचा रखा है, कौन है यो? मैडम सारे रास्ते मुझे जबरदस्ती गोलियां खिलाता हुआ आ रहा है मैडम, देखिए इसे। हाय। हेलो मैडम, हम हैं डॉक्टर राम खिलावन अवस्थी, सन ऑफ श्याम खिलावन अवस्थी। मिलने का समय सुबह 9 से 12 और शाम को 6 से 9। रूप सुधारो नर्सिंग होम टिपलूगंज चौराहे के सामने और अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में। ऐसा है यो छोरा सुरेश न यो व्यक्ति तेने खून भरी मांग की रेखा दिखे जिसका तेने जो है प्लास्टिक सर्जरी कर दिया? गलत है, झूठ है, इल्जाम है मैडम। हमने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की। ऑपरेशन के बाद हमने भी खुद को पहली ही बार देखा था इस नई सूरत में स्कूटर चला के। तो डॉक्टर राम खिलावन अवस्थी, सन ऑफ श्याम खिलावन अवस्थी, मिलने का समय सुबह 9 से 12 और शाम को 6 से 9। रूप सुधारो। ऐसा है ना, नेक्स्ट टाइम जो तैने अपना फुल इंट्रोडक्शन दिया ना, तो मैं थारी बुलेट सर्जरी कर दूंगी। साफ साफ बोल के माजरा हो रहा है यो? मैडम जब हम कह रहे हैं कि हमने इस आदमी को पहले कभी देखा ही नहीं, आज पहली बार देख रहे हैं, ये आदमी कौन है हम नहीं जानते, ये एक ठग है, ये साजिश है, ये हमसे पैसे ऐंठने के लिए हम पर इल्जाम लगा रहा है मैडम, कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम के। हाँ मैडम, हम तो इसकी वजह से खुद दुख में ऐंठ गए हैं, हम क्या पैसे ऐंठेंगे स्कूटर चला के। ओ ऐंठू। व्हाट? ऐसा है तू सबसे पहले तो जो है ना अपने घर जाके जरा बॉयज मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस कर, अब आज ने थोड़ी मीठी बना ले, थारा केस सॉल्व होते होते ना मन्ने कान का कैंसर हो जाएगा। चल निकल यहाँ से, इससे हम बात कर रहे हैं। थैंक यू मैडम। एक मिनट यहीं पे थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ना तुम ऐसे बोलो। मैं हूँ सुरेश संदेशिया। ओके। मैं हूँ सुरेश संदेशिया।
नॉट बैड मैडम, नॉट बैड, नॉट बैड. अब ये ट्राई करो. ओके. नाउ सुरेश संदेश. रहने दे, थारी खुद की आवाज सही है. चल निकल अभी. थैंक यू मैडम. हाँ भाई डॉक्टर, जरा मार्क पे आइयो. जरा जी, जरा झुकियो थोड़ा. और डॉक्टर ईप सही सही बोलेगा है या बाकी के 31 भी यहाँ निकाल के मेज पे सजा दूं मैं? बताते बताते मैडम. दरअसल बात यह है मैडम कि हम इतनी जल्दी में रहता हूँ कि पेशेंट की शक्ल देखे बिना उसके केस की फाइल देख के ही उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर देता हूँ. और ये सारा कंफ्यूजन जो है ये इस सुरेश की वजह से हुआ है, जो कि जाके 25 नंबर की बेड पर लेट गया जबकि 25 नंबर के पेशेंट की प्लास्टिक सर्जरी होनी थी. तो इसी धोखे में इसकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई है मैडम. कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की मैडम. ये बेटा जो गलती कर ली है तो जुर्माना भी देना पड़ेगा. जेब में हाथ डालना पड़ेगा और माल निकालना पड़ेगा. ओके. कितने दे दूं? 10 लाख दे दूंगा. लेकिन मैडम हमारा ये केस. उसकी फिकर तुम मत करो, हमारी मैडम केस और जबान को फिराने में एक्सपर्ट. मेरा मतलब है कि तुम्हारा काम हो जाएगा. भैया शायद तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तू ईब जाके घर को जाके सो जा, क्योंकि ईब जिसकी नींद डिस्टर्ब होने वाली है ना उसका नाम से सुरेश संदेशिया. क्या मतलब हम ही सुरेश हैं और हम ही ये साबित करें कि हम सुरेश हैं स्कूटर चला के? देखो यार, अगर तुम सुरेश हो तो तुम सुरेश हो. अब अगर तुम सुरेश हो तो तुम्हें ये साबित करने में क्या प्रॉब्लम है कि तुम सुरेश हो? लेकिन जब हम सुरेश हैं तो फिर हम क्यों साबित करें कि हम सुरेश हैं स्कूटर चला के? ऐसा है कानून जो है ना अंधा हो, वह सबूत चाहिए. सबूत प्रूफ कर कि तू सुरेश से, वरना निकल यहां से. ठीक है, अगर पुलिस इतने ही साबित करने पर तुली हुई है तो हम ये भी साबित कर देंगे कि हम सुरेश हैं और इसका रास्ता है हमारे पास. वो रास्ता है हमारी बीवी चम्मक छल्लो. क्या कह रहे हो यार, तुम्हारी बीवी चम्मक छल्लो है? मेरा मतलब है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पहचानने से इनकार कर रही है, तो वो कैसे साबित करेगी कि तुम सुरेश हो? वही साबित करेगी कि हम सुरेश हैं, क्योंकि हमारी बीवी अक्सर हमको पीटती है और जब वो हमारे गाल पर थप्पड़ मारती है तो उस थप्पड़ में अखरोट के टूटने की आवाज आती है. यो किस प्रकार का भैयापंती का लॉजिक हो रहा है, इसे कैसे मान ले हम? मैडम, जब कोई दूसरा शख्स हमारे गाल पे थप्पड़ मारता है तो उसमें अखरोट के टूटने की आवाज नहीं आती. अच्छा भाई जरा नजदीक. पुलिस पड़ी है थारे पीछे, पुलिस पड़ी है थारे पीछे. देखा मैडम आपने, कोई भी अखरोट के टूटने की आवाज नहीं आई. भाई आवाज तो ना आई पर ईब आएगी चम्मक छल्लो. ओहो हो, तो ये हैं चम्मक छल्लो. वैसे इनको देख के लगता नहीं किसी को थप्पड़ मार सकती हैं. है? जरा ऊंचा सुनती हैं ये. हाँ तो भाई चम्मक छल्लो, यो ये थारा चम्मक छल्ला है? अरे यो चम्मक छल्लो, यो ही हो रहा है थारा चम्मक छल्ला. मैडम ये नहीं है मेरा चम्मक छल्ला. अरे वो है कि ना है उसी का फैसला करने के लिए तो तैने यहाँ बुलाया है. भाई वो कह रहा है कि जब तू इसने जो है ना रैप्टा मारती है तो अखरोट से टूटने की आवाज आवे है. तो भाई जरा मार के दिखा, हम भी सुन ले. देखा आपने? देखा मैडम, चम्मक छल्लो ने जब मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा तो अखरोट के टूटने की आवाज आई. अब तो हमने साबित कर दिया कि हम सुरेश ही हैं स्कूटर चला के. भाई इससे कुछ भी प्रूफ ना होवे. कई बार तो जो है ना जब मैं गुलगुले ने रैप्टा मारती हूँ तो इससे भी आती है अखरोट टूटने की आवाज.
भाई गुलगुले प्लेट दादाजी ने पकड़ा दे। ये मैडम। ओह यस 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 यस। देख भाई आ गई ना आवाज। नहीं इसका मतलब तो यो सुरेश है। अरे बोलो तुम कोच, पहचानो मुझे। अरे मुझे देखो, मुझे पहचानो, अरे मुझे सूंघो, कम से कम मेरी आवाज को तो पहचानो। ओहो, इसके बाप ने मुझे शादी के पहले ये नहीं बताया कि ये ऊंचा सुनती है। बेवकूफ नहीं। बेवकूफ होगा तुम्हारा बाप। चल हट। ये सुन लिया। हाँ भी काके, ये तो साबित हो गया कि तुम सुरेश नहीं हो, और तुमने उस रूप सुधार नर्सिंग होम के डॉक्टर से पैसे ऐंठने के लिए इस पे झूठा केस डाला है। भाई नहीं नहीं, मुझ पे आप यकीन तो कीजिए, भरोसा कीजिए मुझ पे, मैं सुरेश ही हूँ। चलिए ठीक है, आप मुझे एक और मौका दीजिए तो मैं आपको साबित कर दूंगा कि मैं सुरेश हूँ स्कूटर चला के। भाई वो कैसे? ऐसे साबित करूंगा कि मेरा एक दोस्त है टीटू, जो मुझे लाखों की भीड़ में पहचान सकता है, अंधेरे में भी पहचान सकता है। वैसे है बहुत अजीज वो मेरा, इतना अजीज कि मैंने उसको 1,00,000 रुपया उधार दे दिया है। ओ भाई ऐसा है गुलगुले ना, भाई इसके दोस्त टीटू ने बुलवा ले जिसने इससे 1,00,000 रुपया उधार ले रखा है। ओके ठीक है, आप उसे बुलवाइए, मैं कल वापस आता हूँ स्कूटर चला के। यार गुलगुले, ये तुमने अखरोट टूटने की आवाज कैसे निकाली थी? नमस्ते मैडम। हाँ तो भाई, यार नेम इज टीटू। यस मैडम। ही सेज हिज नेम इज सुरेश, पर यो बात की यो सुरेश से यो इसकी फैमिली कतई ना मान रही, ना इसके बीवी बच्चे, तो कह रहे हैं कि यो कोई और आदमी से। तो भाई लास्ट ऑप्शन इसके पास यो बचा है कि तू, यानी कि इसका जिगरी बचपन का दोस्त, इसके अनुसार इसको रात में भी अंधेरे में भी पहचान सके हैं। तो भाई तो तू पहचान ले और फैसला कर कि यो सुरेश से कि रमेश। अरे एक मिनट मैडम, एक मिनट। हेलो। देखो यार, मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ऐसे दोस्त को कभी नहीं पहचानता जिससे मैंने 1,00,000 रुपए उधार ले रखे हो। तू ना है? नहीं, ये मैं ही हूँ। बहन सारा सोच लो। रॉन्ग नंबर। सॉरी मैडम। अरे बता ना यार टीटू कि मैं सुरेश ही हूँ स्कूटर चला के। कंफ्यूजन। अरे ये अलग बात है कि मेरी शक्ल बदल गई है, लेकिन तू ही तो हमेशा मुझसे कहता था कि मैं तुझे अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। हाँ मैडम, ये सच है कि मैं अपने दोस्त सुरेश को अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। यस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा दोस्त सुरेश। देखो यार, दोस्त तो लाखों में एक होता है, अब तुम बात को घुमाओ फिराओ मत, सच सच बताओ ये सुरेश है या नहीं। ये सुरेश। अरे बता यार टीटू। ये सुरेश। टीटू, ओए टीटू पुत्र, बोल बोल है, बोल है, बोल। ये सुरेश। बोलो यार, बोलो बोलो। नहीं है। यस, क्या बात कर रहा है यार टीटू। भाई ऐसा है कि बहुत हो गया थारा नाटक, थारा ड्रामा, और भी कई काम हो रहे हैं हमें। इब तो यो लास्ट ऑप्शन भी थारी फेल होगी है, और इब तो यो ही प्रूफ्स है कि तू सुरेश ना है। इब इससे पहले कि तू ज्यादा वक्त बर्बाद करे और मैं थारे खिलाफ एक्शन लू, तू अपने गले में साइलेंसर डाल और अपने घर को निकल बाइज्जत। ठीक है, अगर ये मुझे नहीं पहचान पाया कि मैं सुरेश हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं सुरेश ही हूँ, सुरेश ही हूँ, सुरेश ही हूँ, सुरेश सुरेश सुरेश। ओके बाय। तुझे मैं क्या क्या बोलूं? बोल। टीटू, यार टीटू। वाह मैडम वाह, कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की, आपने तो कमाल कर दिया मैडम। भाई कमाल तो कल होगा, और कल यो सुरेश अपने ही मुंह से कबूल करेगा कि वो सुरेश ना है बल्कि रमेश है। यस। तू बस पैसे ले आइयो।
डन मैडम। भाई तू सुरेश से? जी मैं सुरेश ही हूँ। अच्छा मतलब तू रमेश ना है? जी नहीं मैं सुरेश ही हूँ। मतलब गारंटी कंफर्म? गारंटी। अच्छा तो एक बात बता, यो फोटो, यो किसकी फोटो से? जी ये मेरी फोटो है जिसकी शक्ल उस डॉक्टर ने बदल दी। अच्छा भाई ऐसा है गोपी? हाँ जी जी। भाई एक काम करो, जो पेपर सामने बनवा के रखे है ना उस पे इसके साइन ले ले ताकि यो कंफर्म हो जाए कि यो ही सुरेश है। हाँ जी जी मम्मी जी। जी ले लीजिए, यहाँ साइन कर दो। आइए ये लीजिए। लीजिए मैडम, अब तो साइन भी हो गए तो अब इसे फांसी होगी। जी yes! सुरेश होने की फांसी? हाँ अब देखो भाई, ये जो सुरेश है ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। अब इसे फांसी की सजा हुई थी लेकिन ये जेल तोड़कर भाग गया। अब तुम कह रहे हो कि तुम ये ही हो और तुम्हारा नाम भी सुरेश है तो तुम्हें फांसी तो होगी ना। अरे कौन सुरेश, कैसा सुरेश, कहाँ का सुरेश? मैं तो किसी सुरेश को नहीं जानता, मेरा नाम रमेश है, सिर्फ रमेश। आपको पता है ना कि लोग मुझे रमेश के नाम से जानते हैं, मैं नहीं जानता कौन है सुरेश। ओ भैया ऐसा है, रमेश सुरेश या बिमलेश या कमलेश हो, इब तो तूने सुरेश के नाम के पेपर्स पे साइन कर दिया है तो इब तो इसने जाके ना अंदर डाल डाल साले ने। चुप। लेकिन आप वाह वाह मैडम क्या बात है, कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की, क्या केस घुमाया है आपने। तो यो बैग भी घुमा दे हमारी तरफ। हाँ क्यों नहीं, ये रहे 10 लाख रुपए। मैडम कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की, हमने जो गलती से सुरेश की प्लास्टिक सर्जरी करके उसकी शक्ल बदल डाली थी, हमें तो लगा था कि हमारा नर्सिंग होम जो है वो बंद हो जाएगा और हमें भी जेल हो जाएगी। लेकिन आपने हमें किस सफाई से बचा लिया। भाई इतनी भी सफाई पसंद हूं ना मैं। फसा। भाई तू जेल भी जाएगा और थारा वो नर्सिंग होम बंद भी होगा। लेकिन मैडम वो बेटा गोपी। हाँ जी जी। बयान वो भाई ले आओ सुरेश में। हाँ भाई। ऐसा है फर्जी डॉक्टर, भाई तैने तो मैं बहुत पहली अरेस्ट कर लेती लेकिन थारे से ये कंपनसेशन कैसे मिलता जो ये भी सुरेश को मिलने वाला है। थारे से कंपनसेशन निकलवाने में और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में इसका तो तेल निकल जाता, पर अब इसको 10 लाख रुपए भी मिल गए और तू साले इसका ऑपरेशन भी करेगा और इसको इसकी ओरिजिनल शक्ल वापस भी देगा, देगा कि ना? हाँ ठीक है कर देगा। She's too much. भाई ऐसा सुरेश, आई होप यू आर हैप्पी। शुक्रिया मैडम, आपने मुझे ये भी दिलवाया और आप मेरी शक्ल भी बदलवा रही हैं। भाई वैसे तो यो फोटो वाली शक्ल से अभी की शक्ल ज्यादा बेटर है, बट रेस्ट इज योर डिसीजन एज यू प्लीज। एक्सक्यूज मी, प्लीज कर भाई साफ करो इन। लेकिन वाह चंद्रमुखी जी क्या बात है, क्या बात है, सच कह रहा हूँ आप वाकई में इंसाफ की देवी है, इसीलिए कहता हूँ आप भी ढूंढ लीजिए अपने लिए कोई देवता और पार लगा दीजिए उसकी नैया। सर या अभी तक कोई ऐसा पैदा ना हुआ जो बने शेरनी का संयोग। आई एम लविंग इट।